हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का कब आएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंट्रोल कर रही है 2021 से ही। तो 2021 में जो है काफ़ी लेट जो है आया हुआ था, और 2022 में भी काफ़ी लेट आया, 2023 में थोड़ा सा सही टाइम पे आया। 2023 में जो है 15 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार 15 अप्रैल से नहीं होगा। इस बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मार्च में ही आ जाएगा। इसलिए आप लोग जो है प्रिपरेशन अपना करना ठीक ठाक प्रकार से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, दो तीन सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा आते हैं, इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश नॉर्मली पूछती है। इंग्लिश अगर आपकी नॉर्मली भी ठीक है, मतलब अगर आप 8th लेवल तक इंग्लिश ठीक पढ़े हुए हैं, तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। इसके बाद जो जनरल आता है, जनरल नॉलेज आता है, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको उतना प्रेशर नहीं देना है। बहुत लोग कह रहे होंगे जनरल नॉलेज के लिए इधर पढ़िए उधर पढ़िए, तो जनरल नॉलेज भी नॉर्मली पूछता है। हमने कई बार पेपर देखा, दो तीन साल का पेपर देख रहे हैं जब से 2021 का हो रहा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपको फोकस नहीं करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, एम्बुलेंस का नंबर पूछ लेते हैं, इसके बाद फायर का कौन सा डायल नंबर होता है, मतलब नॉर्मल चीज़ें पूछ लेते हैं। नर्सिंग का फुल फॉर्म पूछ लिए, या नर्सिंग कितने साल की होती है, और नर्सिंग के बाद कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं, नर्सिंग में हायर डिग्री क्या कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं। और नर्सिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उपचारिका कहते हैं, तो ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो है ये पूछ लेते हैं। तो आपको ज़्यादा जो है जीके में और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा आपको समय नहीं गंवाना है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो ये फोकस करना है, और ये अच्छे से अभी से जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको स्कोर करना है 125 नंबर। अगर आपके 122 123 नंबर आ रहे हैं, तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बार कॉलेज बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो है इस बार कम से कम जो है 5 से 6 कॉलेज बढ़ेंगे 2024-25 सेशन से। 5 से 6 कॉलेज गवर्नमेंट के और बढ़ने वाले हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग और चालू होने वाली है। कम से कम अगर बढ़ेगा तो मिनिमम जो है 40 सीट तो बढ़ती ही है। तो अगर ऑन एवरेज 40 सीट लेकर चल रहे हैं, तो भी इस बार जो है सीट्स काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और 120 नंबर जा रहा, 120 नंबर स्कोर करना काफ़ी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हम देखते हैं काफ़ी जो है, बहुत ऐसा नहीं, बहुत हाई लेवल के लड़के आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल लड़के देख रहे हैं आ रहे हैं, और कोई विशेष तौर पर यह भी नहीं कि बहुत पढ़ने में हाई फाई हैं, सब मॉडरेट ही हैं। अगर आप ठीक ठाक प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ही फायदा होता है, फीस कम होती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलती है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस अगर मान लीजिए, जो आपके एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर्स के, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो मान लीजिए जो गवर्नमेंट की फीस है वो 45 रुपये है, हालांकि प्राइवेट की फीस इतनी है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं, आपको ऐसे भी कॉलेज देखने हैं जिनमें प्राइवेट कॉलेज आप ले रहे हैं, फीस उनकी बहुत बहुत ज़्यादा लेते हैं, 15-15 हज़ार रुपये जो है सेमेस्टर्स की फीस लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फीस से भी आपको जो है ये बचना है, इसलिए भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में एक फाउंडेशन होता है, एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ले सकते हैं। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एक नंबर जो है, एक क्वेश्चन एक नंबर कंटेंट करता है, 200 क्वेश्चन आते जो है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 200 क्वेश्चन आएंगे आपको जो है, कोई निगेटिव मार्किंग, सभी सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जीके जो है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट इक्वल नंबर कैरी करेंगे। और फिर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 120 प्लस क्वेश्चन, मान लीजिए 125 क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए 125 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपको आराम से जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, सेंटर्स पूरे यूपी में बनते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म आप ये कन्फर्म मान के चलिए कि मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म है, आ जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मई में एग्जाम हो जाएगा। मई में जो है एंट्रेंस एग्जाम, ये मान चलिए 100% गारंटी मान चलिए कि मई में एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। और मई में अगर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, तो सेशन जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नया सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, तो सेशन डिले नहीं होगा, क्योंकि सेशन जो है 2023 से तो काफ़ी सही हो गया, सेशन ज़्यादा नहीं डिले हुआ, मैक्सिमम जो है 1 महीने डिले हुए हैं, लेकिन सेशन काफ़ी सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट नए हैं, कॉलेज में आना चाह रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, तो 2024-25 सेशन का जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो है मार्च में आ जाएगा, आप 100% मान चलिए। इसलिए प्रिपरेशन जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, और प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेट भी रहिए, क्योंकि 4-6 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, गोला भरने में गलत हो गए। ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है ये नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका जो है,
और एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 11 बजे शायद पेपर होता है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो ये आपकी जो है पेपर की टाइमिंग होने वाली है, सेंटर्स पूरे यूपी में होने वाले हैं। और अप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो जो है 3,000 रुपये ही रहेगी, पिछले साल 3,000 रुपये फीस थी, इस बार भी 3,000 रुपये फीस रहेगी। और पेपर का जो मोड होगा, पेपर का जो मीडियम होगा, इंग्लिश में ही होगा, पेपर का मीडियम हिंदी में नहीं होगा, पेपर जो है इंग्लिश में ही पेपर होगा। और पेपर हालांकि हिंदी में करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जब मान लीजिए पहले होता था KGME वगैरह या UPMS करवाती थी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये हिंदी में भी पेपर होता था, तो हिंदी मीडियम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता था। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, पेपर को हिंदी में भी करवाना चाहिए, कम से कम 2 मोड में पेपर रहे, हिंदी इंग्लिश में, तो काफ़ी ज़्यादा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाती है। लेकिन पेपर का मीडियम जो है अटल बिहारी का वो इंग्लिश में ही होता है, चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, या एमएससी नर्सिंग की बात करें, या पैरामेडिकल्स की बात करें, जो पैरामेडिकल्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूजी का हो या पीजी का हो, सभी का जो पेपर का मीडियम होता है वो इंग्लिश ही होता है। तो हमने सोचा एक वीडियो आपके साथ जो है शेयर की जाए 2024-2025 सेशन के ऊपर, जो स्टूडेंट नए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो इच्छुक कैंडिडेट हैं बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप सही समय पर डिग्री कर ले रहे हैं और वैकेंसी, क्योंकि अभी तो निकल रही, हो सकता है आगे वैकेंसी ना निकले 8-10 साल बाद, तो आपका जो है अगर सही टाइम पर जो है कोर्स पूरा हो जा रहा है तो आराम से जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।